एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं है। महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अधिदेव महादेव को साथ स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है, मैना, धन्या और कला की कथा कर रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा, चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है, वो चंदन का। सात स्थान शिवलिंग के बताए हैं, जहां पर धूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है। सात स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। सात स्थान, और वो सात स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन, समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कन कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। सात स्थान चंदन के बताए महाराज, पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको, जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं, शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा सदानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और सातवा चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो दो सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है, या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है उसका, बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं है। महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अधिदेव महादेव को साथ स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है, मैना, धन्या और कला की कथा कह रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा, चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है, वो चंदन का स्पर्श। आपके घर में पितृ दोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, आपको लगता है, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, मान लो अपन अमावस्या पड़ी, आप एक अंदाजा लगाइए, तो जिस दिन अमावस्या रहे उस दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए महाराज, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रख कर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर जला दीजिए, और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छाओ में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो पितर आपको कष्ट दे रहे हैं, पितर आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितर दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं, अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं,
अमावस्या के दिन उसको रख कर रात भर अपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया। अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, कार्य में सिद्धता आ जाती है। मान लो अगर पितृदोष है तो करो, नहीं है बड़े अलमस्ती से रहो। तो ये पितृदोष का स्मरण, तो यहाँ शास्त्र कह रहा है कि पितरों का जो लोक होता है, पितर जो लोक होता है, उस पितर लोक में 64 योगिनियां प्रवेश नहीं करती। शिव महापुराण कर रही है, शंकर की कथा कर रही है। एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए। मान लो आपको लग रहा है कि आपके घर में पितर दोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, अमावस्या पड़ती है, चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए, मान छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर जला दीजिए, और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर मान लो पितर आपको कष्ट दे रहे हैं, पितर आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं, अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रख कर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया। अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है तो घर में से पितृ दोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती। अमावस्या के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर अवश्य जला कर जाना, सारे पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो, या बेलपत्री का वृक्ष हो, या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं, वहां से जल का आचमन कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर बत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे कुछ करा ना करा, फिर अमावस्या के दिन उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृ लोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके बैकुंठ लोक का निवास दे रहे हैं। 7 स्थान, और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन, समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है, बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा। जिनके यहाँ पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए, और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर, अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उसको अपने घर में घुमाने के बाद में, जिस जिसको कालसर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है, या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे का खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से
मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते। पति को मानी भेजूंगी, ऐसा हो जाएगा कोई हमारे कन कोई गलत तो नहीं कर रहा है। आपको लगता है सात स्थान चंदन के बताएं, बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा सदानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और सातवा चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो दो सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है। चार दिन दुकान अच्छी चले बाकी के समय बेचना पड़े, समझ लेना पितृ दोष। घर में बच्चे चिड़चिड़े हो जाए, गलत संगति में डूब जाए, समझ लो चिड़चिड़ हो रहे हैं, पितृ दोष। घर के बच्चे माता पिता का आदर न करें, सम्मान न करें, तेज आवाज में बात करें, समझ लो पितृ दोष। पितृ दोष मालूम पड़े, और इतने से भी अगर आप नहीं समझ सकते, परिवार का कोई एक व्यक्ति जब जब भोजन करने बैठे तब तब उसकी थाली में बाल आए, भले वो होटल में खाए तो भी बाल आ जाए, वो कहीं खाना खा रहा है तो बाल आ जाए। आठ पंद्रह दिन में, चार दिन में, तीन दिन में, दो दिन में, छह दिन में आपकी थाली के भोजन में अगर बाल निकल रहा है, केश निकल रहा है, समझ लेना कि पितृ आपसे कुछ मांग रहे हैं, पितृ आपसे कुछ चाहते हैं। महाराज एक बेल का फल लीजिए। क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है उसको निकाल लीजिए, और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको के अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृ दोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे तक खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा करेंगे, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ उतना की उतना ही फेटरीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतना की उतना ही बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष की प्रदोष, कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो, उसको पानी में गलाइए आधा घंटा पानी में। जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे तो सुबह स्नान कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा सा गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए। महाराज उस पानी में से थोड़ा सा एक चम्मच पानी शिवजी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए, उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए, भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ होगा, वो स्वस्थ होगा। औषधि आज शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा, जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा, इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन?
शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया, शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये शिव जी ने बनाए। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहाँ तो दरिद्रता बैठी है तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। निया में पीपल के वृक्ष का या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चीटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं जाओ। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी, मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवाल में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवाल में, किसी के घर की दीवाल में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापस लग जाएगा, फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो, दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता, केवल एक रविवार का, केवल एक संडे, इतवार का। घर में दीवारों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिन दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है, इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापिस पलटा नहीं जाता, लग गया उसको डर। प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं आप बताओ, वो तो जहाँ यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं, अब करूं क्या? भगवान ने बोला, एक काम करो। दुर्वासा जी बोले, जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना, जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले, जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहां पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हो उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता कितनी सुंदर बात कही है, दाता और विधाता, कौन कौन? दाता और विधाता, लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं, कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है, ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, यहां तो ठीक है, जिसके यहां पर भी अगर
थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं दिख रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं, फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा, तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण केवल यह है कि दाता और विधाता की प्रियता उसमें। माता ख्याति के जो चार बच्चे हुए उसमें जो दो लड़के हैं दाता और विधाता, उसकी प्रियता उसमें, उसकी पूर्णता उस। अब दुर्वासा जी बोले अपनी धर्म पत्नी को वहां लेकर, जहां कांटेदार पौधे लगे हों वहां पर लेकर प्रवेश कर जाइए। कांटेदार पौधों में उस दरिद्रता का निवास हो गया। कितना विचित्र कथा यहां वर्णन करी है श्रीमद् भागवत के अंतर्गत, जो वर्णन किया कि मृत्यु निश्चित है, यदि रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर अभिषेक कराकर पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना पिपलेश्वर। काशी में जो शिव जी की स्थापना कौन ने करी, काशी में जो शंकर भगवान बैठे उनकी स्थापना करी थी शनि महाराज ने, किसने करी थी, शनि महाराज ने, क्योंकि भगवान शनि महाराज को उनकी माता के द्वारा श्रापित हो गए और शनि महाराज कांपने लगे, शनि महाराज कांपते कांपते मैं जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या, महाराज शनि महाराज दौड़े और दौड़कर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे, हे शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी कृपा करिए बाबा भोलेनाथ कृपा करो, क्योंकि दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता हैं जिनको शनि लग सकता है, केवल एक किसको छोड़कर, शिव को छोड़कर, राम जी को शनि लगा तो 14 वर्ष वनवास चले गए, कृष्ण को शनि लगा तो मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए, शनि लगा, हनुमान जी को शनि लगा तो गुफा में बैठकर राम राम जपना पड़ा, शनि सबको लगता है, केवल शनि नहीं लगता तो एक मेरे महादेव को, मेरे भोले बाबा को नहीं लगता। शंकर के पास में शनि आ गए, शनि ने आकर कहा भोलेनाथ कृपा करिए बाबा मैं बड़ा कष्ट में हूं मैं करूं क्या, बाबा भोलेनाथ ने कहा जा गंगा जी के तट पर काशी में जाकर एक शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी आराधना कर और तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, कष्ट नहीं भोगेगा। शनि महाराज ने काशी में जाकर शिव जी की स्थापना करी। आज भी नियम है जिसको शनि लग जाता है एक काजल की डिब्बी ले लो और काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर उसको एकांत में जाकर जंगल आदि में एकांत में किसी पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोद कर उसमें काजल की डिब्बी को डाल दो और मिट्टी से पूर दो, उस व्यक्ति का शनि समाप्त हो जाता है। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर अगर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर शनि वाले व्यक्ति को अगर पेड़ के नीचे दबा दे शनि से बात, शनि उसको परेशान नहीं कर सकता। काशी कितनी मूलता है, उस क्रम को देखिए, भगवान शंकर पर विश्वास रखकर एक एक पल एक एक घड़ी एक एक समय एक एक नक्षत्र का शिव महापुराण में वर्णन है।
यहां तक शास्त्र कहता है कि पीपल के वृक्ष की जब भगवान शिव रचना करे, पीपल के वृक्ष की जब रचना करी गई तो उस पीपल के वृक्ष में भी कौन सा समय किसका है ये शिव महापुराण वर्णन करती है। सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 10:30-11 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। 10:30 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में 11:30 बजे तक पितरों का वासा होता है। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में आहूतों का वासा होता है। 12:30 बजे से लेकर 4:00 बजे तक पीपल के वृक्ष में वासुकों का वासा होता है। 4:00 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वासा होता है। 9:30 बजे से लेकर फिर कुबेर के वृक्ष में अन्य देवों का वासा चालू हो जाता है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को जब पूजा जाता है, पीपल के वृक्ष की जब पूजन करी जाती है तो सुबह 10:30-11 ज्यादा से ज्यादा 11:30 ज्यादा से ज्यादा 12 उसके पहले पीपल के वृक्ष की पूजन कर लेना चाहिए। रात को कुबेर का वास होता है, इसलिए पीपल के वृक्ष में दीपावली के दिन रात्रि को 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में जो पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, क्योंकि कुबेर स्वयं विराजमान होता है पीपल के वृक्ष के नीचे। क्यों? क्योंकि 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा रहता है, आहूतों का वासा रहता है, फिर वासुकों का वासा आता है। पितर किसको कहते हैं? महाराज जो पूरी उम्र लेकर चले गए और उनके भीतर अभिलाषाएं बहुत थी, मैं ये भी करना चाहता हूं, मैं ये भी करना चाहता हूं, वो पितर हो जाते हैं। आहूत किसको कहते हैं? जिस माता के गर्भ में बच्चा जन्म ले और मर जाए, या 6 महीने का गर्भ धारण करने के बाद अवर्षण हो जाए, जीव पड़ने के बाद 6 महीने के बाद अगर बच्चा गर्भ में भी शांत हो जाता है, कुंवारी अवस्था में शांत हो जाता है, जिसका विवाह नहीं हुआ ऐसा बच्चा जब शांत हो जाता है, अधोगति में कोई मर जाता है, सुसाइड कर एक्सीडेंट में किसी भी रूप में मर जाता है तो वो आहूत कहलाता। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर अभिषेक कराकर पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना पिपलेश्वर, जम ना भी दुख विपदा कष्ट सम्मुख में खड़ा हुआ हो, कितना भी दुख, पूंजी धन की अगर आपको कमी पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं, हम तो यहां तक कहेंगे कोई मकान बना रहे हो, बेटी का विवाह कर रहे हो, बेटे का विवाह कर रहे हो, कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, धन संपदा की भी कमती दिखे तो समय पर कांता भगवान का स्मरण कर, कांता चक्र का स्मरण कर शिव और नारायण का नाम लेकर, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक श्वेत पुष्प, एक लाल पुष्प, दोनों हाथ में लेकर भगवान शंकर के अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर समर्पित करा जाए तो संपदा की भी कमी नहीं आती, वो कांता चक्र है जो नारायण। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई विद्वत ब्राह्मण ने आपको बताया है कि आपके घर में पितृ दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके घर में काल सर्प दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके यहाँ पर
ये वास्तु दोष है और इस दोष को मिटाना जरूरी है। कोई ने आपको बताया, उस समय पर हमें घबराना नहीं। उस समय में घबराने का क्रम नहीं है। कहते हैं पीपल का जो जल झड़ता है पीपल के वृक्ष से, आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं देखा, वो हमको नहीं मालूम। कितना भी अगर कोई वास्तु दोष बता दिया, पितृ दोष बता दिया, काल सर्प दोष बता दिया, कितना भी अगर कोई दोष बता दे, तो पीपल का जो जल वृक्ष में से झड़ता है, कभी कभी आप उसके नीचे हाथ रखकर देखना, थाली रखकर देखना, उसमें पत्थर पर देखना, तो वहां पर भी पानी के निशान आपको मिलेंगे, बूंद के निशान मिलेंगे। मात्र उस पीपल के वृक्ष के जल की एक बिंदी, एक मात्र बिंदी, शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, जलाधारी है, चरण है, गणेश कार्तिक का स्थान है, अशोक सुंदरी का स्थान है, और प्रत्येक जलाधारी में से पानी बीच में से आकर नीचे की ओर गिरता, नीचे की ओर गिरता। आप लोगों के स्मरण में हमने पहले भी बताया कि राइट में किसका स्थान है, गणेश जी का, लेफ्ट में कार्तिक के, बीच में अशोक सुंदरी, ये क्या है, पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग, और ऊपर से जो जल एक एक बूंद शंकर जी के शिवलिंग पर गिर रहा है, वो शंकर जी की पांच लड़कियां जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, शंकर जी की पांच लड़कियों, एक एक बूंद पानी शिव जी पर गिरा रहा। जहां जल नीचे गिरता है, उस स्थान से जहां तक जल बहकर जा रहा है, उस स्थान तक 33 कोटि देवताओं का स्थान, 33 कोटि देवताओं का स्थान। अब जहां पानी आया, जहां नीचे गिरा, उसके बीच में जो स्थान होता है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, जिनने देखा है जरा हाथ उठाओ। ये पानी जैसे यहां तक आया और यहां के बाद नीचे गिरेगा, तब वो नाली के माध्यम से बाहर जाएगा, तो जितनी दूर यहां से वो नीचे की ओर जो गिर रहा है, यहां से वो नीचे की ओर जो पानी जा रहा है, ये जो स्थान होता है, ये हमारे तीन दोषों को निवारण तुरंत कर देता है। एक हमारा पितृ दोष, एक हमारा काल सर्प दोष और एक हमारा वास्तु दोष का निवारण ये तुरंत करता है। और ये तो हमने केवल आपको शिव महापुराण के माध्यम से बताया कि ये तीन दोष का निवारण कर देता है, पर यदि कभी आप ध्यान से लिंग पुराण को पढ़ेंगे, आप यदि लिंग पुराण को पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण को लाकर यदि आप पढ़ते हैं, या गीता प्रेस गोरखपुर की शिव अंक को भी आप अगर पढ़ेंगे, उसका नंबर हमारे स्मरण में नहीं आ रहा, शिव अंक को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको वर्णन मिलेगा कि हम तो केवल तीन दोष का बता रहे हैं, पर हमारे शास्त्र तो यहाँ पर और भी दोषों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे किसी ने बता दिया आपको शनि का दोष है, किसी ने बता दिया मंगल का दोष है, किसी ने बता दिया आपको केतु का दोष है, किसी ने बता दिया आपको राहु का दोष है, किसी ने आपको कह दिया कि बृहस्पति का दोष है, किसी ने कह दिया आपको ये वाला दोष है। दुनिया के जितने दोष, जितने दोष पीपल के वृक्ष के झड़ता हुआ जल की एक बूंद का स्पर्श, भले वो सूख गई हो, उसका एक स्पर्श मात्र, जहां पानी नीचे की ओर गिर रहा है, उतनी परिधि, उतनी जगह के बीच में जहां से पानी गिरता है, बस उस स्थान पर अगर वो उंगली अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर भी लगा दी जाए और एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए, तो ये जितने दुनिया के दोष है वो अपने आप समाप्त हो ही जाते हैं। शंकर की बोलबम का नारा है, और अच्छे से समझ लो, जरा ध्यान में आ जाए आप लोगों के, नहीं तो गलत कर बैठो, तो बट स्मरण रखिएगा। शिवलिंग जलाधारी, जलाधारी में से पानी बहता है, नीचे की ओर जाता है। जितना मोटा शिवलिंग की ये जलाधारी होती है, उसमें से पानी जहां नीचे गिरता है, जितनी भी मोटी हो, उसमें कहीं पर भी आप बिंदी लगा सकते, कहीं
उस स्थान पर आप कहीं पर भी उस बिंदी को लगा। कोई कह दे तुमको कि तुम्हारा मंगल गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा राहु गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा केतु गड़बड़ है, कोई तुमसे कह दे तुम्हारा बृहस्पति गड़बड़ है, तो समझ लेना कि हमारे ग्रह की दशा को सुधारने के लिए ये जो स्थान है, बस उस स्थान पर एक बिंदु बहुत। अब आज के जमाने में आपने देखा होगा, जब से आप शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करें, जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से आपने सुना होगा कि कोई भी अब ज्यादा आपको सुनने को नहीं मिलता कि वास्तु दोष हो गया, कि पितृ दोष हो गया, कि कालसर्प दोष हो गया। इसके पहले का जो समय था, उस समय किसी को भी पत्रिका दिखाओ, किसी के पास भी जाओ, वास्तु दोष, कालसर्प दोष, पितृ दोष, ये सारे दोष चलते रहते थे। पर तुमने जो एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करा, तुम्हारा चढ़ा हुआ जल उसी स्थान से नीचे गिर रहा है जहां हमने बिंदी लगाने का बताया, वहां से नीचे गिर रहा है, तो तुम्हारा दोष जल चढ़ाते चढ़ाते अपने आप दोष समाप्त होता चलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप जो भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं, आप भगवान शिव को जो दे रहे हैं, उसमें एक मूलता का भाव प्रकट हो रहा है। अपने और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हटो। अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है उसका, बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अधिदेव महादेव को साथ स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है, मैना, धन्या और कला की कथा कर रही है, तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा, चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है, वो चंदन का सात स्थान शिवलिंग के बताए हैं, जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, सात स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके बैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। सात स्थान, और वो सात स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन, समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है, बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कन कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। सात स्थान चंदन के बताएं महाराज, पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको, जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं, शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और सातवा चंदन
नंदी के मस्तक के ऊपर जो दो सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली, ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है उसका, बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के, थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अधिदेव महादेव को साथ स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है मैना धन्य और कला की कथा कर रही है, तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा, चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है, वो चंदन है। आपके घर में पितृ दोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, आपको लगता है, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, मान लो अपन अमावस्या पड़ी, आप एक अंदाजा लगाइए, तो जिस दिन अमावस्या रहे उस दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए महाराज, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर जला दीजिए, और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर मान लो पितर आपको कष्ट दे रहे हैं, पितर आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं? अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रखकर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया, अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृ दोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, कार्य में सिद्धता आ जाती है। मान लो अगर पितृ दोष है तो करो, नहीं है बड़े अलमस्ती से रहो, तो ये पितृ दोष का स्मरण, तो यहाँ शास्त्र कह रहा है कि पितरों का जो लोक होता है, पितर जो लोक होता है, उस पितृ लोक में 64 योगिनियां प्रवेश नहीं करती। शिव महापुराण कर रही है, शंकर की कथा कर रही है, एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए। मान लो आपको लग रहा है कि आपके घर में पितृ दोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, अमावस्या पड़ती है, चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए मान, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर जला दीजिए, और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर मान लो पितर आपको कष्ट दे रहे हैं, पितर आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं? अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रखकर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़क गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया, अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृ दोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। अमावस्या के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर अवश्य जला कर जाना, सारे पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है, तो पीपल का वृक्ष हो, या बेलपत्री का वृक्ष हो, या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में, पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं, अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर
नदी तालाब बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं, वहां से जल का आचमन कर पितर अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में बावड़ी कुआं नदी तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर बत्ती का, तो पितर आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो आगे बढ़ो उन्नति करो तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे कुछ करा ना करा, फिर अमावस्या के दिन उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर कर। सात स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके बैकुंठ लोक का निवास दे रहे हैं। सात स्थान, और वो सात स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन, समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है, बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा। जिनके यहाँ पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिस जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृ दोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे दा खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते। पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कंध कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। सात स्थान चंदन के बताएं, बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और सातवा चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो दो सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है उसका, बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है। चार दिन दुकान अच्छी चले बाकी के समय बेचना पड़े, समझ लेना पितृ दोष। घर में बच्चे चिड़चिड़े हो जाए, गलत संगति में डूब जाए, समझ लो चिड़चिड़ हो रहे हैं पितृ दोष। घर के बच्चे माता पिता का आदर ना करें, सम्मान ना करें, तेज आवाज में बात करें, समझ लो पितृ दोष। पितृ दोष मालूम पड़े, और इतने से भी अगर आप नहीं समझ सकते, परिवार का कोई एक व्यक्ति जब जब भोजन करने बैठे तब तब उसकी थाली में बाल आए, भले वो होटल में खाए तो भी बाल आ जाए, वो कहीं खाना खा रहा है तो बाल आ जाए। 8-15 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में, 6 दिन में आपकी थाली के भोजन में अगर बाल निकल रहा है, केश निकल रहा है, समझ लेना कि पितृ आपसे कुछ मांग रहे हैं, पितृ आपसे कुछ चाहते हैं। महाराज एक बेल का फल लीजिए, क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको के अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिस जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृ दोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे दा खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है,
कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा करेंगे, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ उतना की उतना ही फेटना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतना की उतना ही बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज, बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष की प्रदोष, कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो, उसको पानी में गलाइए, आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे तो सुबह स्नान कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा से गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए महाराज, उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिवजी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए, उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए, भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगा, वो स्वस्थ हो। औषधि आज शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं, हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा, जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा, इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो 1 दिन का वार लिख दिया, शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये शिव जी ने बनाए, अब 1 दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहाँ तो दरिद्रता बैठी है तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं जाओ। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, 1 दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी, मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवाल में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवाल में, किसी के घर की दीवाल में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा, फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो, दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता, केवल एक रविवार का, केवल एक संडे, इतवार का। घर में दीवारों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना,
शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिन दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है, इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता। किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता, लग गया उसको डर। प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं आप बताओ, वो तो जहाँ यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं। अब करूं क्या? भगवान ने बोला एक काम करो। दुर्वासा जी बोले, जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले, जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहां पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता कितनी सुंदर बात कही है। दाता और विधाता कौन कौन? दाता और विधाता लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं। कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, यहां तो ठीक है, जिसके यहां पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं दिख रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा, तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल इतना है कि दाता और विधाता की प्रियता उसमें। माता ख्याति के जो चार बच्चे हुए इसमें जो दो लड़के हैं दाता और विधाता, उसकी प्रियता उसमें, उसकी पूर्णता उसमें। अब दुर्वासा जी बोले अपनी धर्म पत्नी को वहां लेकर, जहां कांटेदार पौधे लगे हों वहां पर लेकर प्रवेश कर जाइए। कांटेदार पौधों में उस दरिद्रता का निवास हो गया। कितना विचित्र कथा यहां वर्णन करी है श्रीमद् भागवत के अंतर्गत, जो वर्णन किया कि मृत्यु निश्चित है, रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर अभिषेक कराकर पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना पिपलेश्वर। काशी में जो शिव जी की स्थापना कौन ने करी? काशी में जो शंकर भगवान बैठे उनकी स्थापना करी थी शनि महाराज ने। किसने करी थी? शनि महाराज ने, क्योंकि भगवान शनि महाराज को उनकी माता के द्वारा श्रापित हो गए और शनि महाराज कांपने लगे। शनि महाराज कांपते कांपते, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या? महाराज शनि महाराज दौड़े और दौड़कर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। हे शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, कृपा करिए बाबा भोलेनाथ, कृपा करो, क्योंकि दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता हैं जिनको शनि लग सकता है, केवल एक किसको छोड़कर? शिव को छोड़कर। राम जी को शनि लगा तो 14 वर्ष वनवास चले गए,
कृष्ण को शनि लगा तो मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। शनि लगा, हनुमान जी को शनि लगा तो गुफा में बैठकर राम राम जपना पड़ा। शनि सबको लगता है, केवल शनि नहीं लगता तो एक मेरे महादेव को, मेरे भोले बाबा को नहीं लगता। शंकर के पास में शनि आ गए। शनि ने आकर कहा, भोलेनाथ कृपा करिए बाबा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं करूं क्या? बाबा भोलेनाथ ने कहा, जा गंगा जी के तट पर काशी में जाकर एक शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी आराधना कर और तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, कष्ट नहीं भोगेगा। शनि महाराज ने काशी में जाकर शिव जी की स्थापना करी। आज भी नियम है, जिसको शनि लग जाता है एक काजल की डिब्बी ले लो और काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर उसको एकांत में जाकर, जंगल आदि में एकांत में किसी पेड़ के नीचे तरसा खड्डा खोद कर उसमें काजल की डिब्बी को डाल दो और मिट्टी से पूर दो, उस व्यक्ति का शनि समाप्त हो जाता है। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर, अगर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर शनि वाले व्यक्ति को अगर पेड़ के नीचे दबा दे, शनि समाप्त, शनि उसको परेशान नहीं कर सकता। काशी कितनी मूलता, उस क्रम को देखिए। भगवान शंकर पर विश्वास रखकर एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक समय, एक एक नक्षत्र का शिव महापुराण में वर्णन है। यहां तक शास्त्र कहता है कि पीपल के वृक्ष की जब भगवान शिव रचना करे, पीपल के वृक्ष की जब रचना करी गई तो उस पीपल के वृक्ष में भी कौन सा समय किसका है, ये शिव महापुराण वर्णन करती है। सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 10:45-11 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। 10:30 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में 11:30 बजे तक पितरों का वासा होता है। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में आहूतों का वासा होता है। 12:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पीपल के वृक्ष में वासुकों का वासा होता है। 4 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वासा होता है। 9:30 बजे से लेकर फिर कुबेर के वृक्ष में अन्य देवों का वासा चालू हो जाता है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को जब पूजा जाता है, पीपल के वृक्ष की जब पूजन करी जाती है तो सुबह 10:30-11 ज्यादा से ज्यादा 11:30 ज्यादा से ज्यादा 12 उसके पहले पीपल के वृक्ष की पूजन कर लेना चाहिए। रात को कुबेर का वासा होता है, इसलिए पीपल के वृक्ष में दीपावली के दिन रात्रि को 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में जो पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, क्योंकि कुबेर स्वयं विराजमान होता है पीपल के वृक्ष के नीचे। क्यों? क्योंकि 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा रहता है, आहूतों का वासा रहता है, फिर वासुकों का वासा आता है। पितर किसको कहते हैं महाराज? जो पूरी उम्र लेकर चले गए और उनके भीतर अभिलाषाएं बहुत थी, मैं ये भी करना चाहता हूं, मैं ये भी करना चाहता हूं, वो पितर हो जाते हैं। आहूत किसको कहते हैं? जिस माता के गर्भ में बच्चा जन्म ले और मर जाए, या 6 महीने का गर्भ धारण करने के बाद अवर्षण हो जाए, जीव पड़ने के बाद 6 महीने के बाद अगर बच्चा गर्भ में भी शांत हो जाता है, कुंवारी अवस्था में शांत हो जाता है, जिसका विवाह नहीं हुआ ऐसा बच्चा जब शांत हो जाता है, अधोगति में कोई मर जाता है, सुसाइड कर एक्सीडेंट में किसी भी रूप में मर जाता है तो वो आहूत कहलाता। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है, तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर
भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना पिपलेश्वर, जम ना भी दुख विपदा कष्ट सम्मुख में खड़ा हुआ हो, कितना भी दुख, पूंजी धन की अगर आपको कमी पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं, हम तो यहां तक कहेंगे कोई मकान बना रहे हो, बेटी का विवाह कर रहे हो, बेटे का विवाह कर रहे हो, कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, धन संपदा की भी कमती दिखे तो समय पर कांता भगवान का स्मरण कर, कांता चक्र का स्मरण कर शिव और नारायण का नाम लेकर, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक श्वेत पुष्प, एक लाल पुष्प, दोनों हाथ में लेकर भगवान शंकर के अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर समर्पित करा जाए तो संपदा की भी कमी नहीं आती। वो कांता चक्र है जो नारायण का। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई विद्वत ब्राह्मण ने आपको बताया है कि आपके घर में पितृ दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके घर में काल सर्प दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके यहाँ पर ये वास्तु दोष है और इस दोष को मिटाना जरूरी है, कोई ने आपको बताया, उस समय पर हमें घबराना नहीं। उस समय में घबराने का क्रम नहीं है। कहते हैं पीपल का जो जल झड़ता है पीपल के वृक्ष से, आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं देखा, वो आपको नहीं मालूम। कितना भी अगर कोई वास्तु दोष बता दिया, पितृ दोष बता दिया, काल सर्प दोष बता दिया, कितना भी अगर कोई दोष बता दे तो पीपल का जो जल वृक्ष में से झड़ता है, कभी कभी आप उसके नीचे हाथ रखकर देखना, थाली रखकर देखना, उसमें पत्थर पर देखना, तो वहां पर भी पानी के निशान आपको मिलेंगे, बूंद के निशान मिलेंगे। मात्र उस पीपल के वृक्ष के जल की एक बिंदी, एक मात्र बिंदी, शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, जलाधारी है, चरण है, गणेश कार्तिकेय का स्थान है, अशोक सुंदरी का स्थान है, और प्रत्येक जलाधारी में से पानी बीच में से आकर नीचे की ओर गिरता, नीचे की ओर गिरता। आप लोगों के स्मरण में हमने पहले भी बताया कि राइट में किसका स्थान है, गणेश जी का, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, ये क्या है, पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग, और ऊपर से जो जल एक एक बूंद शंकर जी के शिवलिंग पर गिर रहा है वो शंकर जी की पांच लड़कियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, शंकर जी की पांच लड़कियों, एक एक बूंद पानी शिव जी पर गिरा रहा है। जहां जल नीचे गिरता है उस स्थान से जहां तक जल बहकर जा रहा है उस स्थान तक 33 कोटि देवताओं का स्थान, 33 कोटि देवताओं का स्थान। अब जहां पानी आया, जहां नीचे गिरा, उसके बीच में जो स्थान होता है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, जिनने देखा है जरा हाथ उठाओ। ये पानी जैसे यहां तक आया और यहां के बाद नीचे गिरेगा तब वो नाली के माध्यम से बाहर जाएगा, तो जितनी दूर यहां से वो नीचे की ओर जो गिर रहा है, यहां से वो नीचे की ओर जो पानी जा रहा है, ये जो स्थान होता है, ये हमारे तीन दोषों को निवारण तुरंत कर देता है। एक हमारा पितृ दोष, एक हमारा काल सर्प दोष और एक हमारा वास्तु दोष का निवारण ये तुरंत करता है। और ये तो हमने केवल आपको शिव महापुराण के माध्यम से बताया कि ये तीन दोष का निवारण कर देता है, पर यदि कभी आप ध्यान से लिंग पुराण को पढ़ेंगे,
आप यदि लिंग पुराण को पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण को लाकर यदि आप पढ़ते हैं या गीता प्रेस गोरखपुर की शिव अंक को भी आप अगर पढ़ेंगे, उसका नंबर हमारे स्मरण में नहीं आ रहा, शिव अंक को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको वर्णन मिलेगा कि हम तो केवल तीन दोष का बता रहे हैं पर हमारे शास्त्र तो यहाँ पर और भी दोषों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे किसी ने बता दिया आपको शनि का दोष है, किसी ने बता दिया मंगल का दोष है, किसी ने बता दिया आपको केतु का दोष है, किसी ने बता दिया आपको राहु का दोष है, किसी ने आपको कह दिया कि बृहस्पति का दोष है, किसी ने कह दिया आपको ये वाला दोष है। दुनिया के जितने दोष पीपल के वृक्ष के झड़ता हुआ जल की एक बूंद का स्पर्श, भले वो सूख गई हो उसका एक स्पर्श मात्र, जहां पानी नीचे की ओर गिर रहा है उतनी परिधि उतनी जगह के बीच में जहां से पानी गिरता है, बस उस स्थान पर अगर वो उंगली अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर भी लगा दी जाए और एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए तो ये जितने दुनिया के दोष है वो अपने आप समाप्त हो ही जाते हैं। शंकर की बोल बम का नारा है और अच्छे से समझ लो, जरा ध्यान में आ जाए आप लोगों के, नहीं तो गलत कर बैठो तो बहुत स्मरण रखिएगा। शिवलिंग जलाधारी, जलाधारी में से पानी बहता है नीचे की ओर जाता है, जितना मोटा शिवलिंग की ये जलाधारी होती है उसमें से पानी जहां नीचे गिरता है जितनी भी मोटी हो उसमें कहीं पर भी आप बिंदी लगा सकते, कहीं उस स्थान पर आप कहीं पर भी उस बिंदी को लगा सकते। कोई कह दे तुमको कि तुम्हारा मंगल गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा राहु गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा केतु गड़बड़ है, कोई तुमसे कह दे तुम्हारा बृहस्पति गड़बड़ है, तो समझ लेना कि हमारे ग्रह की दशा को सुधारने के लिए ये जो स्थान है बस उस स्थान पर एक बिंदु बहुत। अब आज के जमाने में आपने देखा होगा जब से आप शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करें, जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी तब से आपने सुना होगा कि कोई भी अब ज्यादा आपको सुनने को नहीं मिलता कि वास्तु दोष हो गया, कि पितृ दोष हो गया, कि काल सर्प दोष हो गया। इसके पहले का जो समय था उस समय किसी को भी पत्रिका दिखाओ, किसी के पास भी जाओ, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, ये सारे दोष चलते रहते थे। पर तुमने जो एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करा, तुम्हारा चढ़ा हुआ जल उसी स्थान से नीचे गिर रहा है जहां हमने बिंदी लगाने का बताया, वहां से नीचे गिर रहा है, तो तुम्हारा दोष जल चढ़ाते चढ़ाते अपने आप वो दोष समाप्त होता चलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप जो भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं, आप भगवान शिव को जो दे रहे हैं उसमें एक मूलता का भाव प्रकट हो रहा है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हट। अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है उसका, बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अधिदेव महादेव को सात स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है मैना, धन्या और कला की कथा कर रही है, तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा, चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है, वो चंदन का सात स्थान शिवलिंग के बताए हैं, जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, सात स्थान ऐसे हैं जहां चंदन
कि मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके बैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। सात स्थान और वो सात स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन, समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं या कोई जल रहा है या कोई मर रहा है या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कन कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। सात स्थान चंदन के बताएं महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको, जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं, शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा सदानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और सातवां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो दो सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन, आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है उसका, बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के, थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देवाधिदेव महादेव को सात स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहां पर वर्णन कर रही है मैना धन्य और कला की कथा कह रही है, तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा, चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है, वो चंदन का। आपके घर में पितृ दोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, आपको लगता है, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, मान लो अपन अमावस्या पड़ी, आप एक अंदाजा लगाइए, तो जिस दिन अमावस्या रहे उस दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए महाराज, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रख कर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर जला दीजिए, और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छाँव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं, पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं? अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रखकर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया, अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृ दोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, कार्य में सिद्धता आ जाती है। मान लो अगर पितृ दोष है तो करो, नहीं है बड़े अलमस्ती से रहो, तो ये पितृदोष का स्मरण। तो यहां शास्त्र कह रहा है कि पितरों का जो लोक होता है, पितर जो लोक होता है, उस पितृ लोक में 64 योगिनियां प्रवेश नहीं करती। शिव महापुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है, एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए। मान लो आपको लग रहा है कि आपके घर में पितृदोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, अमावस्या पड़ती है, चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए, मान छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर
उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर जला दीजिए, और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो पितर आपको कष्ट दे रहे हैं, पितर आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं, अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रख कर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पटक गई उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया, अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृ दोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती। अमावस्या के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर अवश्य जला कर जाना, सारे पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो, या बेलपत्री का वृक्ष हो, या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में, पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं, अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं, वहां से जल का आचमन कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर बत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो, ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे कुछ करा ना करा, फिर अमावस्या के दिन उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर। 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके बैकुंठ लोक का निवास दे रहे हैं। 7 स्थान, और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन, समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है, बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा। जिनके यहाँ पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए, और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर, अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उसको अपने घर में घुमाने के बाद में, जिस जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृ दोष बताया है, या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे का खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते। पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कंध कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। 7 स्थान चंदन के बताए, बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा सदानंद कार्तिके पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और सातवा चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो दो सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है।
चार दिन दुकान अच्छी चले, बाकी के समय बेचना पड़े, समझ लेना पितृ दोष। घर में बच्चे चिड़चिड़े हो जाए, गलत संगति में डूब जाए, समझ लो चिड़चिड़ हो रहे हैं, पितृ दोष। घर के बच्चे माता पिता का आदर ना करें, सम्मान ना करें, तेज आवाज में बात करें, समझ लो पितृ दोष। पितृ दोष मालूम पड़े, और इतने से भी अगर आप नहीं समझ सकते, परिवार का कोई एक व्यक्ति जब जब भोजन करने बैठे तब तब उसकी थाली में बाल आए, भले वो होटल में खाए तो भी बाल आ जाए, वो कहीं खाना खा रहा है तो बाल आ जाए। 8-15 दिन में 4 दिन में 3 दिन में 2 दिन में 6 दिन में आपकी थाली के भोजन में अगर बाल निकल रहा है, केश निकल रहा है, समझ लेना कि पितृ आपसे कुछ मांग रहे हैं, पितृ आपसे कुछ चाहते हैं। महाराज एक बेल का फल लीजिए। क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है उसको निकाल लीजिए, और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको के अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिस जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृ दोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सबदूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे तक खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं, कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा करेंगे, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए 8 दिन हो गए बताओ, उतना की उतना ही फेटरीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतना की उतना ही बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष की प्रदोष कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो, उसको पानी में गलाइए, आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे तो सुबह स्नान कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा सा गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए। महाराज उस पानी में से थोड़ा सा एक चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए, उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए, भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो, वो स्वस्थ हो। औषधि आज शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा, जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा, इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया, शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, ये शिव जी ने बनाए, अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहाँ तो दरिद्रता बैठी है तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं जाओ। खाली हाथ जाओगे
तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा बोल कौन सा दिन चाहिए। दरिद्रता कहती है रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा ठीक है दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी, और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी, मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवाल में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवाल में, किसी के घर की दीवाल में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा, फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये तीन चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो, दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार का, केवल एक संडे, इतवार का। घर में दीवारों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिन दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है, इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापिस पलटा नहीं जाता, लग गया लग गया उसको डर। प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं आप बताओ, वो तो जहाँ यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं, अब करूं क्या। भगवान ने बोला एक काम करो। दुर्वासा जी बोले जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना, जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहां पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता कितनी सुंदर बात कही है, दाता और विधाता, कौन कौन? दाता और विधाता, लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं, कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है, ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, यहां तो ठीक है, जिसके यहां पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं दिख रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा, तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल यह है कि दाता और विधाता की प्रियता उसमें। माता ख्याति के जो चार बच्चे हुए इसमें जो दो लड़के हैं दाता और विधाता, उसकी प्रियता उसमें, उसकी पूर्णता उसमें। अब दुर्वासा जी बोले अपनी धर्म पत्नी को वहां लेकर, जहां कांटेदार पौधे लगे हों वहां पर लेकर प्रवेश कर जाइए। कांटेदार पौधों में उस दरिद्रता का निवास हो गया। कितना विचित्र कथा यहां वर्णन करी है श्रीमद् भागवत के अंतर्गत, जो वर्णन किया कि मृत्यु निश्चित है, रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं,
होते हैं किसी किसी के साथ में विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर अभिषेक कराकर पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना पिपलेश्वर। काशी में जो शिव जी की स्थापना कौन ने करी, काशी में जो शंकर भगवान बैठे उनकी स्थापना करी थी शनि महाराज ने, किसने करी थी, शनि महाराज ने, क्योंकि भगवान शनि महाराज को उनकी माता के द्वारा श्रापित हो गए और शनि महाराज कांपने लगे। शनि महाराज कांपते कांपते, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या, महाराज शनि महाराज दौड़े और दौड़ कर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। हे शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, कृपा करिए बाबा भोलेनाथ, कृपा करो, क्योंकि दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता हैं जिनको शनि लग सकता है, केवल एक किसको छोड़कर, शिव को छोड़कर, राम जी को शनि लगा तो 14 वर्ष वनवास चले गए, कृष्ण को शनि लगा तो मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए, शनि लगा, हनुमान जी को शनि लगा तो गुफा में बैठकर राम राम जपना पड़ा, शनि सबको लगता है, केवल शनि नहीं लगता तो एक मेरे महादेव को, मेरे भोले बाबा को नहीं लगता। शंकर के पास में शनि आ गए, शनि ने आकर कहा भोलेनाथ कृपा करिए बाबा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं करूं क्या, बाबा भोलेनाथ ने कहा जा गंगा जी के तट पर काशी में जाकर एक शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी आराधना कर और तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, कष्ट नहीं भोगेगा। शनि महाराज ने काशी में जाकर शिव जी की स्थापना करी। आज भी नियम है जिसको शनि लग जाता है एक काजल की डिब्बी ले लो और काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर उसको एकांत में जाकर जंगल आदि में एकांत में किसी पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोद कर उसमें काजल की डिब्बी को डाल दो और मिट्टी से पूर दो, उस व्यक्ति का शनि समाप्त हो जाता है। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर अगर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर शनि वाले व्यक्ति को अगर पेड़ के नीचे दबा दे, शनि समाप्त, शनि उसको परेशान नहीं कर सकता। काशी कितनी मूलता, उस क्रम को देखिए, भगवान शंकर पर विश्वास रखकर एक एक पल एक एक घड़ी एक एक समय एक एक नक्षत्र का शिव महापुराण में वर्णन है। यहां तक शास्त्र कहता है कि पीपल के वृक्ष की जब भगवान शिव रचना करे, पीपल के वृक्ष की जब रचना करी गई तो उस पीपल के वृक्ष में भी कौन सा समय किसका है ये शिव महापुराण वर्णन करती है। सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वासा होता है, 7:30 बजे से लेकर 10:45-11 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है, 10:30 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में 11:30 बजे तक पितरों का वासा होता है, 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में आहूतों का वासा होता है, 12:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पीपल के वृक्ष में वासुकों का वासा होता है, 4 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर का वासा होता है, 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वासा होता है, 9:30 बजे से लेकर फिर कुबेर के वृक्ष में अन्य देवों का वासा चालू हो जाता है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को जब पूजा जाता है, पीपल के वृक्ष की जब पूजन करी जाती है तो सुबह 10:30-11 ज्यादा से ज्यादा 11:30 ज्यादा से ज्यादा 12 उसके पहले पीपल के वृक्ष की पूजन कर लेना चाहिए। रात को कुबेर का वासा होता है, इसलिए पीपल के वृक्ष में दीपावली के दिन रात्रि को 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में जो पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती।
क्योंकि कुबेरा कुबेर स्वयं विराजमान होता है पीपल के वृक्ष के नीचे। क्यों? क्योंकि 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वास रहता है, आहूतों का वास रहता है, फिर वासुकों का वास आता है। पितर किसको कहते हैं? महाराज जो पूरी उम्र लेकर चले गए और उनके भीतर अभिलाषाएं बहुत थी, मैं ये भी करना चाहता हूं, मैं ये भी करना चाहता हूं, वो पितर हो जाते हैं। आहूत किसको कहते हैं? जिस माता के गर्भ में बच्चा जन्म ले और मर जाए, या 6 महीने का गर्भ धारण करने के बाद अवर्षण हो जाए, जीव पड़ने के बाद 6 महीने के बाद अगर बच्चा गर्भ में भी शांत हो जाता है, कुंवारी अवस्था में शांत हो जाता है, जिसका विवाह नहीं हुआ ऐसा बच्चा जब शांत हो जाता है, अधोगति में कोई मर जाता है, सुसाइड कर एक्सीडेंट में किसी भी रूप में मर जाता है, तो वो आहूत कहलाता। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है, तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर अभिषेक कराकर पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना पिपलेश्वर, जम ना भी दुख विपदा कष्ट सम्मुख में खड़ा हुआ हो, कितना भी दुख, पूंजी धन की अगर आपको कमी पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं, हम तो यहां तक कहेंगे कोई मकान बना रहे हो, बेटी का विवाह कर रहे हो, बेटे का विवाह कर रहे हो, कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, धन संपदा की भी कमती दिखे तो समय पर कांता भगवान का स्मरण कर, कांता चक्र का स्मरण कर शिव और नारायण का नाम लेकर, एक बेलपत्र एक शमी पत्र एक श्वेत पुष्प एक लाल पुष्प दोनों हाथ में लेकर भगवान शंकर के अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर समर्पित करा जाए तो संपदा की भी कमी नहीं आती, वो कांता चक्र है जो नारायण के। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई विद्वत ब्राह्मण ने आपको बताया है कि आपके घर में पितृ दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके घर में काल सर्प दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके यहाँ पर ये वास्तु दोष है और इस दोष को मिटाना जरूरी है, कोई ने आपको बताया, उस समय पर हमें घबराना नहीं। उस समय में घबराने का क्रम नहीं है। कहते हैं पीपल का जो जल झड़ता है पीपल के वृक्ष से, आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं देखा? वो आपको नहीं मालूम, कितना भी अगर कोई वास्तु दोष बता दिया, पितृ दोष बता दिया, काल सर्प दोष बता दिया, कितना भी अगर कोई दोष बता दे तो पीपल का जो जल वृक्ष में से झड़ता है, कभी कभी आप उसके नीचे हाथ रखकर देखना, थाली रखकर देखना, उसमें पत्थर पर देखना, तो वहां पर भी पानी के निशान आपको मिलेंगे, बूंद के निशान मिलेंगे। मात्र उस पीपल के वृक्ष के जल की एक बिंदी, एकमात्र बिंदी, शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, जलाधारी है, चरण है, गणेश कार्तिकेय का स्थान है, अशोक सुंदरी का स्थान है और
प्रत्येक जलाधारी में से पानी बीच में से आकर नीचे की ओर गिरता, नीचे की ओर गिरता। आप लोगों के स्मरण में हमने पहले भी बताया कि राइट में किसका स्थान है, गणेश जी का, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, ये क्या है, पार्वती जी का हस्त कमल शिवलिंग, और ऊपर से जो जल एक एक बूंद शंकर जी के शिवलिंग पर गिर रहा है वो शंकर जी की पांच लड़कियां जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, शंकर जी की पांच लड़कियों एक एक बूंद पानी शिव जी पर गिरा रहा। जहां जल नीचे गिरता है उस स्थान से जहां तक जल बहकर जा रहा है उस स्थान तक 33 कोटि देवताओं का स्थान, 33 कोटि देवताओं का स्थान। अब जहां पानी आया, जहां नीचे गिरा, उसके बीच में जो स्थान होता है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, जिनने देखा है जरा हाथ उठाओ। ये पानी जैसे यहां तक आया और यहां के बाद नीचे गिरेगा तब वो नाली के माध्यम से बाहर जाएगा, तो जितनी दूर यहां से वो नीचे की ओर जो गिर रहा है, यहां से वो नीचे की ओर जो पानी जा रहा है, ये जो स्थान होता है ये हमारे तीन दोषों को निवारण तुरंत कर देता है। एक हमारा पितृ दोष, एक हमारा काल सर्प दोष और एक हमारा वास्तु दोष का निवारण ये तुरंत करता है। और ये तो हमने केवल आपको शिव महापुराण के माध्यम से बताया कि ये तीन दोष का निवारण कर देता है, पर यदि कभी आप ध्यान से लिंग पुराण को पढ़ेंगे, आप यदि लिंग पुराण को पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण को लाकर यदि आप पढ़ते हैं, या गीता प्रेस गोरखपुर की शिव अंक को भी आप अगर पढ़ेंगे, उसका नंबर हमारे स्मरण में नहीं आ रहा, शिव अंक को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको वर्णन मिलेगा कि हम तो केवल तीन दोष का बता रहे हैं पर हमारे शास्त्र तो यहाँ पर और भी दोषों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे किसी ने बता दिया आपको शनि का दोष है, किसी ने बता दिया मंगल का दोष है, किसी ने बता दिया आपको केतु का दोष है, किसी ने बता दिया आपको राहु का दोष है, किसी ने आपको कह दिया कि बृहस्पति का दोष है, किसी ने कह दिया आपको ये वाला दोष है। दुनिया के जितने दोष पीपल के वृक्ष के झड़ता हुआ जल की एक बूंद का स्पर्श, भले वो सूख गई हो, उसका एक स्पर्श मात्र जहां पानी नीचे की ओर गिर रहा है, उतनी परिधि उतनी जगह के बीच में जहां से पानी गिरता है, बस उस स्थान पर अगर वो उंगली अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर भी लगा दी जाए और एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए तो ये जितने दुनिया के दोष है वो अपने आप समाप्त हो ही जाते हैं। शंकर की बोलबम का नारा है, और अच्छे से समझ लो, जरा ध्यान में आ जाए आप लोगों के, नहीं तो गलत कर बैठो तो बहुत स्मरण रखिएगा। शिवलिंग जलाधारी, जलाधारी में से पानी बहता है नीचे की ओर जाता है, जितना मोटा शिवलिंग की ये जलाधारी होती है उसमें से पानी जहां नीचे गिरता है जितनी भी मोटी हो उसमें कहीं पर भी आप बिंदी लगा सकते, कहीं उस स्थान पर आप कहीं पर भी उस बिंदी को लगा सकते। कोई कह दे तुमको कि तुम्हारा मंगल गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा राहु गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा केतु गड़बड़ है, कोई तुमसे कह दे तुम्हारा बृहस्पति गड़बड़ है, तो समझ लेना कि हमारे ग्रह की दशा को सुधारने के लिए ये जो स्थान है बस उस स्थान पर एक बिंदु बहुत। अब आज के जमाने में आपने देखा होगा जब से आप शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करें, जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से आपने सुना होगा कि कोई भी अब ज्यादा आपको सुनने को नहीं मिलता कि वास्तु दोष हो गया, कि पितृ दोष हो गया, कि काल सर्प दोष हो गया। इसके पहले का जो समय था उस समय किसी को भी पत्रिका दिखाओ, किसी के पास भी जाओ, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, ये सारे दोष चलते रहते थे। पर तुमने जो एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करा, तुम्हारा चढ़ा हुआ जल उसी स्थान से नीचे गिर रहा है जहां हमने बिंदी लगाने का बताया, वहां से नीचे गिर रहा है, तो तुम्हारा दोष जल चढ़ाते चढ़ाते अपने आप वो दोष समाप्त होता चलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल।
आप जो भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं, आप भगवान शिव को जो दे रहे हैं, उसमें एक मूलता का भाव प्रकट हो गया। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हक तो। अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है उसका, बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अधिदेव महादेव को साथ स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है मैना, धन्या और कला की कथा कर रही है, तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा, चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है, वो चंदन का सात स्थान शिवलिंग के बताए हैं, जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, सात स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। सात स्थान और वो सात स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन, समझ लेना जरा बहुत अच्छे से, आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं या कोई जल रहा है या कोई मर रहा है या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है, बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कन कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है, सात स्थान चंदन के बताएं महाराज, पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको, जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं, शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा सदानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और सातवां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो दो सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है उसका, बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अधिदेव महादेव को साथ स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहां पर वर्णन कर रही है मैना, धन्या और कला की कथा कह रही है, तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा, चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है, वो चंदन का। आपके घर में पितृ दोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, आपको लगता है, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, मान लो अपन अमावस्या पड़ी, आप एक अंदाजा लगाइए, तो
जिस दिन अमावस्या रहे उस दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए महाराज, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर जला दीजिए, और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छाँव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं, पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं, अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रख कर रात भर अपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया, अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, कार्य में सिद्धता आ जाती है। मान लो अगर पितृदोष है तो करो, नहीं है बड़े अलमस्ती से रहो, तो ये पितृदोष का स्मरण, तो यहाँ शास्त्र कह रहा है कि पितरों का जो लोक होता है, पितर जो लोक होता है, उस पितर लोक में 64 योगिनियां प्रवेश नहीं करती। शिव महापुराण कर रही है, शंकर की कथा कर रही है, एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए। मान लो आपको लग रहा है कि आपके घर में पितर दोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, अमावस्या पड़ती है, चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए मान, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर जला दीजिए, और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छाँव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं, पितर आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं, अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रख कर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया, अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। अमावस्या के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर अवश्य जला कर जाना, सारे पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है, तो पीपल का वृक्ष हो, या बेलपत्री का वृक्ष हो, या वट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में, पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं, अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं, वहां से जल का आचमन कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर बत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो, ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है, आप देंगे कुछ करा ना करा, फिर अमावस्या के दिन उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर। 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके बैकुंठ लोक का निवास दे रहे हैं। 7 स्थान, और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन, समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है, बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा। जिनके यहाँ पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज्यादा
कुछ नहीं करना होना, महाराज एक बेल का फल लीजिए, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर, अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिस जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृ दोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सबदूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे का खड्डा खोदकर उस बेल पत्र के उस फल को दाब दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते। पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कंध कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है 7 स्थान चंदन के बताएं, बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा सदानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और सातवा चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो दो सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है उसका, बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है। 4 दिन दुकान अच्छी चले बाकी के समय बेचना पड़े, समझ लेना पितृ दोष। घर में बच्चे चिड़चिड़े हो जाए, गलत संगति में डूब जाए, समझ लो चिड़चिड़ हो रहे हैं पितृ दोष। घर के बच्चे माता पिता का आदर न करें, सम्मान न करें, तेज आवाज में बात करें, समझ लो पितृ दोष। पितृ दोष मालूम पड़े, और इतने से भी अगर आप नहीं समझ सकते, परिवार पर कोई एक व्यक्ति जब जब भोजन करने बैठे तब तब उसकी थाली में बाल आए, भले वो होटल में खाए तो भी बाल आ जाए, वो कहीं खाना खा रहा है तो बाल आ जाए। 8-15 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में, 6 दिन में आपकी थाली के भोजन में अगर बाल निकल रहा है, केश निकल रहा है, समझ लेना कि पितृ आपसे कुछ मांग रहे हैं, पितृ आपसे कुछ चाहते हैं। महाराज एक बेल का फल लीजिए। क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको के अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिस जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृ दोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सबदूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे का खड्डा खोदकर उस बेल पत्र के उस फल को दाब दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं, कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा करेंगे, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ उतना की उतना ही फिट रहना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतना की उतना ही, बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष की प्रदोष, कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो, उसको पानी में गलाइए 1/2 घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे तो सुबह स्नान कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा सा गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए। महाराज उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिवजी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए, उस पानी को
जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगा। वो स्वस्थ हो औषधि। आज शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा। इसलिए नियम बनाया कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया, शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये शिव जी ने बनाए। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहाँ तो दरिद्रता बैठी है तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं जाओ। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी, मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवाल में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवाल में, किसी के घर की दीवाल में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा, फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो, दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार का, केवल एक संडे, इतवार का। घर में दीवारों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिन दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है, इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापिस पलटा नहीं जाता, लग गया लग गया उसको डर। प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं आप बताओ? वो तो जहाँ यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं, अब करूं क्या? भगवान ने बोला, एक काम करो। दुर्वासा जी बोले, जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना, जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले, जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहां पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों
उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइएगा। दरिद्रता कितनी सुंदर बात कही है। दाता और विधाता कौन कौन? दाता और विधाता लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं। कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, यहां तो ठीक है, जिसके यहां पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं दिख रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास कर रहा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा, तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल इतना है कि दाता और विधाता की प्रियता उसमें। माता ख्याति के जो चार बच्चे हुए उसमें जो दो लड़के हैं दाता और विधाता, उसकी प्रियता उसमें, उसकी पूर्णता उस। अब दुर्वासा जी बोले अपनी धर्म पत्नी को वहां लेकर, जहां कांटेदार पौधे लगे हों वहां पर लेकर प्रवेश कर जाइए। कांटेदार पौधों में उस दरिद्रता का निवास हो गया। कितना विचित्र कथा यहां वर्णन करी है श्रीमद् भागवत के अंतर्गत, जो वर्णन किया कि निश्चित है रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर अभिषेक कराकर पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना पिपलेश्वर। काशी में जो शिव जी की स्थापना कौन ने करी? काशी में जो शंकर भगवान बैठे उनकी स्थापना करी थी शनि महाराज ने। किसने करी थी? शनि महाराज ने, क्योंकि भगवान शनि महाराज को उनकी माता के द्वारा श्रापित हो गए और शनि महाराज कांपने लगे। शनि महाराज कांपते कांपते, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या? महाराज शनि महाराज दौड़े और दौड़कर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। हे शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, कृपा करिए बाबा भोलेनाथ, कृपा करो, क्योंकि दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता हैं जिनको शनि लग सकता है, केवल एक किसको छोड़कर? शिव को छोड़कर। राम जी को शनि लगा तो 14 वर्ष वनवास चले गए, कृष्ण को शनि लगा तो मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। शनि लगा, हनुमान जी को शनि लगा तो गुफा में बैठकर राम राम जपना पड़ा। शनि सबको लगता है, केवल शनि नहीं लगता तो एक मेरे महादेव को, मेरे भोले बाबा को नहीं लगता। शंकर के पास में शनि आ गए, शनि ने आकर कहा भोलेनाथ कृपा करिए बाबा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं करूं क्या? बाबा भोलेनाथ ने कहा जा गंगा जी के तट पर काशी में जाकर एक शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी आराधना कर और तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, कष्ट नहीं भोगेगा। शनि महाराज ने काशी में जाकर शिव जी की स्थापना करी। आज भी नियम है जिसको शनि लग जाता है एक काजल की डिब्बी ले लो और काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर उसको एकांत में जाकर जंगल आदि में एकांत में किसी पेड़ के नीचे तरस खड्डा खोद कर उसमें काजल की डिब्बी को डाल दो और मिट्टी से पूर दो, उस व्यक्ति का शनि समाप्त हो जाता है। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर अगर
काशी विश्वनाथ का नाम लेकर शनि वाले व्यक्ति को अगर पेड़ के नीचे दबा दे, शनि समान, शनि उसको परेशान नहीं कर सकता। काशी कितनी मूलता उस क्रम को देखिए। भगवान शंकर पर विश्वास रखकर एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक समय, एक एक नक्षत्र का शिव महापुराण में वर्णन है। यहां तक शास्त्र कहता है कि पीपल के वृक्ष की जब भगवान शिव रचना करे, पीपल के वृक्ष की जब रचना करी गई तो उस पीपल के वृक्ष में भी कौन सा समय किसका है, ये शिव महापुराण वर्णन करती है। सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 10:30-11 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। 10:30 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में 11:30 बजे तक पितरों का वासा होता है। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में आहूतों का वासा होता है। 12:30 बजे से लेकर 4 बजे तक पीपल के वृक्ष में वासुकों का वासा होता है। 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वासा होता है। 9:30 बजे से लेकर फिर कुबेर के वृक्ष में अन्य देवों का वासा चालू हो जाता है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को जब पूजा जाता है, पीपल के वृक्ष की जब पूजन करी जाती है तो सुबह 10:30-11 ज्यादा से ज्यादा 11:30 ज्यादा से ज्यादा 12 उसके पहले पीपल के वृक्ष की पूजन कर लेना चाहिए। रात को कुबेर का वासा होता है, इसलिए पीपल के वृक्ष में दीपावली के दिन रात्रि को 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में जो पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, क्योंकि कुबेर स्वयं विराजमान होता है पीपल के वृक्ष के नीचे। क्यों? क्योंकि 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा रहता है, आहूतों का वासा रहता है, फिर वासुकों का वासा आता है। पितर किसको कहते हैं? महाराज जो पूरी उम्र लेकर चले गए और उनके भीतर अभिलाषाएं बहुत थी, मैं ये भी करना चाहता हूं, मैं ये भी करना चाहता हूं, वो पितर हो जाते हैं। आहूत किसको कहते हैं? जिस माता के गर्भ में बच्चा जन्म ले और मर जाए, या 6 महीने का गर्भ धारण करने के बाद अवर्षण हो जाए, जीव पड़ने के बाद 6 महीने के बाद अगर बच्चा गर्भ में भी शांत हो जाता है, कुंवारी अवस्था में शांत हो जाता है, जिसका विवाह नहीं हुआ ऐसा बच्चा जब शांत हो जाता है, अधोगति में कोई मर जाता है, सुसाइड कर एक्सीडेंट में किसी भी रूप में मर जाता है तो वो आहूत कहलाता। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर अभिषेक कराकर पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना पिपलेश्वर। जम ना भी दुख विपदा कष्ट सम्मुख में खड़ा हुआ हो, कितना भी दुख, पूंजी धन की अगर आपको कमी पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं, हम तो यहां तक कहेंगे कोई मकान बना रहे हो, बेटी का विवाह कर रहे हो, बेटे का विवाह कर रहे हो, कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, धन संपदा की भी कमती दिखे तो समय पर कांता भगवान का स्मरण कर, कांता चक्र का स्मरण कर शिव और नारायण का नाम लेकर, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र,
एक श्वेत पुष्प एक लाल पुष्प दोनों हाथ में लेकर भगवान शंकर के अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर समर्पित करा जाए तो संपदा की भी कमी नहीं आती। वो कांता चक्र है जो नारायण के यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है। अगर कोई विद्वत ब्राह्मण ने आपको बताया है कि आपके घर में पितृ दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके घर में काल सर्प दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके यहाँ पर ये वास्तु दोष है और इस दोष को मिटाना जरूरी है, कोई ने आपको बताया, उस समय पर हमें घबराना नहीं। उस समय में घबराने का क्रम नहीं है। कहते हैं पीपल का जो जल झड़ता है पीपल के वृक्ष से, आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं देखा, वो हमको नहीं मालूम। कितना भी अगर कोई वास्तु दोष बता दिया, पितृ दोष बता दिया, काल सर्प दोष बता दिया, कितना भी अगर कोई दोष बता दे तो पीपल का जो जल वृक्ष में से झड़ता है, कभी कभी आप उसके नीचे हाथ रखकर देखना, थाली रखकर देखना, उसमें पत्थर पर देखना, तो वहां पर भी पानी के निशान आपको मिलेंगे, बूंद के निशान मिलेंगे। मात्र उस पीपल के वृक्ष के जल की एक बिंदी, एकमात्र बिंदी, शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, जलाधारी है, चरण है, गणेश कार्तिक का स्थान है, अशोक सुंदरी का स्थान है, और प्रत्येक जलाधारी में से पानी बीच में से आकर नीचे की ओर गिरता, नीचे की ओर गिरता। आप लोगों के स्मरण में हमने पहले भी बताया कि राइट में किसका स्थान है, गणेश जी का, लेफ्ट में कार्तिक के, बीच में अशोक सुंदरी, ये क्या है, पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग, और ऊपर से जो जल एक एक बूंद शंकर जी के शिवलिंग पर गिर रहा है वो शंकर जी की पांच लड़कियां जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, शंकर जी की पांच लड़कियों एक एक बूंद पानी शिव जी पर गिरा रहा। जहां जल नीचे गिरता है उस स्थान से जहां तक जल बहकर जा रहा है उस स्थान तक 33 कोटि देवताओं का स्थान, 33 कोटि देवताओं का स्थान। अब जहां पानी आया, जहां नीचे गिरा, उसके बीच में जो स्थान होता है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, जिनने देखा है जरा हाथ उठाओ। ये पानी जैसे यहां तक आया और यहां के बाद नीचे गिरेगा तब वो नाली के माध्यम से बाहर जाएगा, तो जितनी दूर यहां से वो नीचे की ओर जो गिर रहा है, यहां से वो नीचे की ओर जो पानी जा रहा है, ये जो स्थान होता है, ये हमारे तीन दोषों को निवारण तुरंत कर देता है। एक हमारा पितृ दोष, एक हमारा काल सर्प दोष और एक हमारा वास्तु दोष का निवारण ये तुरंत करता है। और ये तो हमने केवल आपको शिव महापुराण के माध्यम से बताया कि ये तीन दोष का निवारण कर देता है, पर यदि कभी आप ध्यान से लिंग पुराण को पढ़ेंगे, आप यदि लिंग पुराण को पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण को लाकर यदि आप पढ़ते हैं, या गीता प्रेस गोरखपुर की शिव अंक को भी आप अगर पढ़ेंगे, उसका नंबर हमारे स्मरण में नहीं आ रहा, शिव अंक को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको वर्णन मिलेगा कि हम तो केवल तीन दोष का बता रहे हैं, पर हमारे शास्त्र तो यहाँ पर और भी दोषों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे किसी ने बता दिया आपको शनि का दोष है, किसी ने बता दिया मंगल का दोष है, किसी ने बता दिया आपको केतु का दोष है, किसी ने बता दिया आपको राहु का दोष है, किसी ने आपको कह दिया कि बृहस्पति का दोष है, किसी ने कह दिया आपको ये वाला दोष है, दुनिया के जितने दोष पीपल के वृक्ष के झड़ता हुआ जल की एक बूंद का स्पर्श, भले वो सूख गई हो, उसका एक स्पर्श मात्र जहां पानी नीचे की ओर गिर रहा है, उतनी परिधि उतनी जगह के बीच में जहां से पानी गिरता है, बस उस स्थान पर अगर वो उंगली अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर भी लगा दी जाए और एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए तो ये जितने दुनिया के दोष है वो अपने आप समाप्त हो ही जाते हैं। शंकर की
बोलबम का नारा है। और अच्छे से समझ लो, जरा ध्यान में आ जाए आप लोगों के, नहीं तो गलत कर बैठो तो बहुत स्मरण रखिएगा। शिवलिंग जलाधारी, जलाधारी में से पानी बहता है नीचे की ओर जाता है। जितना मोटा शिवलिंग की ये जलाधारी होती है उसमें से पानी जहां नीचे गिरता है, जितनी भी मोटी हो उसमें कहीं पर भी आप बिंदी लगा सकते, कहीं उस स्थान पर आप कहीं पर भी उस बिंदी को लगा सकते। कोई कह दे तुमको कि तुम्हारा मंगल गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा राहु गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा केतु गड़बड़ है, कोई तुमसे कह दे तुम्हारा बृहस्पति गड़बड़ है, तो समझ लेना कि हमारे ग्रह की दशा को सुधारने के लिए ये जो स्थान है, बस उस स्थान पर एक बिंदु बहुत। अब आज के जमाने में आपने देखा होगा, जब से आप शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करें, जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से आपने सुना होगा कि कोई भी अब ज्यादा आपको सुनने को नहीं मिलता कि वास्तु दोष हो गया, कि पितृ दोष हो गया, कि काल सर्प दोष हो गया। इसके पहले का जो समय था उस समय किसी को भी पत्रिका दिखाओ, किसी के पास भी जाओ, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, ये सारे दोष चलते रहते थे। पर तुमने जो एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करा, तुम्हारा चढ़ा हुआ जल उसी स्थान से नीचे गिर रहा है जहां हमने बिंदी लगाने का बताया, वहां से नीचे गिर रहा है, तो तुम्हारा दोष जल चढ़ाते चढ़ाते अपने आप दोष समाप्त होता चलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा। आप जो भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं, आप भगवान शिव को जो दे रहे हैं, उसमें एक मूलता का भाव प्रकट हो गया। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही हवा विच उड़ती जावांगी बाबा डोर हटो। अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है उसका, बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अधिदेव महादेव को साथ स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है मैना, धन्या और कला की कथा कर रही है, तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा, चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है, वो चंदन का सात स्थान शिवलिंग के बताए हैं, जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, सात स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके बैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। सात स्थान, और वो सात स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन, समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है, बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कन कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है, सात स्थान चंदन के बताएं महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको, जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे हैं, वहां नहीं, शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर,
दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा सदानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और सातवा चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो दो सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है उसका, बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अधिदेव महादेव को सात स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है मैना, धन्या और कला की कथा कर रही है, तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा, चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है, वो चंदन का स्थान। आपके घर में पितृ दोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, आपको लगता है, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, मान लो अपन अमावस्या पड़ी, आप एक अंदाजा लगाइए, तो जिस दिन अमावस्या रहे उस दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए महाराज, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रख कर उस कपूर को